Jai Hindi students, welcome in our online classes, SRPS Basti. Today we will continue the topic of bonding, chemical bonding and molecular structure. So today's topic is valence bond theory, VBT. Okay, means valence bond theory in this theory it is explained that two atom of hydrogen is combined together because they have one one electron of their own and they will share the other electron from other atom and there is single bond hydrogen hydrogen have single bond okay and two electrons are involved so we can draw in this way that for this hydrogen its nucleus for another hydrogen this one its nucleus and for this hydrogen there is one shell for this hydrogen there is one shell and in first shell they have one electron it have one electron and it also have one electron okay so we can draw in that way that it is nucleus of a suppose it is hydrogen a hydrogen and it is b hydrogen okay for identification because we know that both are identical or similar but for identification we can write here that ha and hb so nucleus of this one is n b this electron is ea and this electron is eb okay नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ़ दे वॉन्ट टू गेट कम्बाइन यानी इनको बॉन्ड बनाने के लिए अगर पास पास आना होता है तो ये क्या करते हैं जब ये दूर होते हैं पहले ऐसे दूर दूर होंगे ठीक है फिर ये पास आते जाएंगे जब क्लोज आते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बॉन्ड बनना होता है उससे पहले कुछ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस होते हैं जो वर्क करते हैं ओके तो हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है तो हम बात कर लेते हैं अट्रैक्शन फोर्स की ओके अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं तो इसके एन ए और ई ए के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है ओके ये कुछ नहीं है यहाँ पर तो इसे याद रखिए एन एंड ई ए इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी एन और ई में होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा एन बी एंड ई बी ओके नेक्स्ट इज जब ये क्लोज आएंगे एक दूसरे के तो इनका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन ए वाले का इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा ठीक है तो अट्रैक्शन फोर्स यहां पर नेक्स्ट अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा एन बी एंड ई ए ओके और अनदर टाइप जो दूसरा होगा वो क्या होगा इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे क्या लिखेंगे हम एन ए एंड ई बी क्लियर टू एवरी वन अब हमने यहाँ लिख लिया कितने टाइप के फोर्स अट्रैक्शन फोर्स यहाँ वन टू थ्री एंड फोर अट्रैक्शन की बात हो गई फोर अब रिपल्शन की बात करें रिपल्शन फोर्स हम इधर लिख लेते हैं ओके रिपल्शन फोर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यानी ई ए एंड ई बी के बीच रिपल्शन फोर्स है और दोनों ही न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन होगा जब दोनों क्लोज आएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ए एंड एन बी के बीच में रिपल्शन भी होगा यानी कि जब हम बॉन्डिंग के लिए इन दोनों को क्लोज ला रहे हैं तो यहाँ पर क्लोज आने की वजह से रिपल्शन फोर्सेज बढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज इस वजह से एक दूसरे के नहीं आ सकते क्योंकि हमें एक ऐसा बैलेंस रखना है एक ऐसी पोजिशन पे आना है जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए अट्रैक्शन फोर्स शुड बी डोमिनेटिंग ओवर द रिपल्शन फोर्स ओके यानी रिपल्शन हो लेकिन रिपल्शन कम हो जाए और अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पर डोमिनेंट हो ताकि वो दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड रहें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसी भी ज्योमेट्री में या स्ट्रक्चर में भी मॉलिक्यूल के यही होता था ए, एक ऐसी पोजीशन पे वो सेट हो जाते हैं बॉन्डिंग के बाद जहाँ पर उनका रिपल्शन मिनिमम हो तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है ओके okay, स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर बॉन्डिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है एक न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है वो फिक्स होती है कि कितने इस कितनी डिस्टेंस पे वो दोनों बॉन्डेड होंगे ओके okay? तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ होगा जिससे आपको समझना है ठीक है जैसे हम यहाँ बात करें कि ऐसे ग्राफ होता है ये ऐसे दिखाते हैं यूँ ओके यानी ये दोनों जब दूर दूर होते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम है सपोज फिर दोनों थोड़ा क्लोज आ गए ठीक है जैसे इनके बीच का गैप देख रहे हैं आप यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है फिर यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ये दोनों बॉन्डेड हो गए तो बॉन्डेड हो जाने पर आप जानते हैं कि इनके बीच में शेयरिंग है ऑर्बिटल दिखा रहे हैं हम ठीक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एस एस ऑर्बिटल है तो यहाँ पर शेयरिंग हो गई तो यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ हम लिखेंगे ये एनर्जी की बात कर रहे हैं हम ठीक है पैरामीटर है और यहाँ पर है आर यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी इनके बीच का जो गैप है वो कितना कम हो जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यह दूर दूर है ठीक है तो एनर्जी क्या है मेंटेन है यानी एनर्जी हाई है जब तक एनर्जी हाई होती है कब जब तक वो बॉन्डिंग नहीं होती है जब एनर्जी हाई है इसका मतलब क्या होता है एनर्जी हाई होने का मतलब स्टेबिलिटी कम होती है हमेशा याद रखिएगा एनर्जी और स्टेबिलिटी का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी कम होगी ठीक है इसको समझने के लिए मैंने आपको कभी बताया है मे बी या फिर आज आप याद रखिएगा कि कभी भी जो ओल्ड एज होते हैं वो उनमें एनर्जी कम होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं जैसे कि वो काफ़ी देर तक कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं बैठ सकते हैं या वो कई घंटों तक एक जगह बालकनी में बैठे हैं रूम में बैठे हैं लेटे हैं ठीक है वो भागते दौड़ते नहीं हैं और छोटे बच्चों में देखेंगे आप यंग एज जो होता है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें देखिए आप पकड़ के भी रखते हो तो वो रुकते नहीं हैं वो भागते रहते हैं ओके यानी उनमें इतनी एनर्जी होती है तो वो हमेशा दौड़ना भागना चाहते हैं खेलना कूदना चाहते हैं है ना हंसते हैं चिल्लाते हैं हम उन्हें मतलब रोकते हैं कि ज़्यादा चिल्लाओ नहीं आवाज़ नहीं करो रोना नहीं वो उनकी एनर्जी होती है कि उनमें एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होती है वो एक जगह जल्दी रुकते नहीं हैं ठीक है अगर उन्हें पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो भागते हैं ठीक है तो इस चीज़ को आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं ठीक है साइंस में ये चीज़ होगी और केमिस्ट्री में भी ये चीज़ आप कह सकते हैं कि जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाती है और जहाँ एनर्जी लो होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादातर चीज़ों में आप देखेंगे कि रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम जब कोई ऐसी पोजीशन फिक्स करते हैं जिस पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो तो रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए ओके तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दूर दूर थे ये दोनों फिर पास-पास आए थोड़ा, और तो यहाँ पर बॉन्डेड सिचुएशन में इसकी एनर्जी बहुत लो हो गई ठीक है और फिर बहुत क्लोज अगर आप इसको करेंगे तो फिर एनर्जी क्या और ये बड़े स्टेबिलिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी यानी एक पोजीशन है ऐसी जिसपे फिक्स पोजीशन पर उस उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये जो गैप होता है एनर्जी का जो गैप है और इसमें क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं इस ग्राफ में आपके पास अगर एन बुक है या फिर आप इस टॉपिक को पढ़िएगा ठीक है ये मैंने आपको अभी इन जनरल एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को एक बार आप पढ़ेंगे और फिर अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ओके okay? और ये दोनों डायग्राम आपको कॉपी में भी बनाना है अब हम जो बात करेंगे अभी जो हम चल रहे हैं इस चैप्टर में टॉपिक वाइज़ अब इस टॉपिक को आपको लिखना भी है जैसे कि मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी दूंगा इसमें जैसे सपोज़ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कैलकुलेशन कैसे होती है उसकी डेफिनेशन क्या है ठीक है ये आपको लिखना चाहिए फिर आप उसको डिस्कस करेंगे कॉपी में लिखने के बाद आपको याद भी करना है और फिर अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में कि कंडीशंस क्या हाइब्रिडाइजेशन की ठीक है दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था वी एस सी पी आर थियरी वी एस सी पी आर थियरी क्या होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी इसके बारे में भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है और इसमें कुछ भी कंडीशंस दी हुई हैं थियरी पार्ट है ये थियोरी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए तो उसको आप कॉपी में लिखेंगे दैट इज़ कंपलसरी ओके उसको लिखना है आपको कंपल्सरी है वो याद रखना आपको फिर आपको उसमें जो जो नए पॉइंट्स भी मिलेंगे और जो आप जानते हैं ऑलरेडी वही बेसिक पॉइंट्स भी मिलेंगे तो आपको जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा उससे रिलेटेड वो आप हमसे पूछेंगे ठीक है जब तक आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन चीज़ों में पढ़ने में तब तक आपको वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा सिर्फ यहाँ पर आपको सुनना नहीं है ओके सिर्फ लिसनर नहीं बनना है कि आपको जो बोला जा रहा है आपने सुन लिया आपको खुद से भी करना है और जब आप खुद करने लगते हैं तभी आपके अंदर उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है कुछ नई चीज़ आपको मिलती है फिर आप वो नई चीज़ लेके आते हैं पूछते हैं डिस्कस करते हैं फिर वो आपके माइंड में एक जगह बन जाती है उसके लिए कि हाँ देखो ये चीज़ मैंने खुद पढ़ी थी फिर मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था फिर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था तो ये चीज़ होना भी ज़रूरी है इस्पेशली ठीक है सारे सब्जेक्ट्स में होना चाहिए इस्पेशली साइंस में आपको क्यूरियोसिटी पता है कि बहुत ज़रूरी है तो जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा उसके बारे में इंटरेस्ट आएगा जानने का और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे उस टॉपिक से ठीक है तो टॉपिक वाइज आप पढ़ना अब स्टार्ट करिएगा मैंने बताया आज बैलेंस बॉन्ड थियोरी और हाइब्रिडाइजेशन एंड वी एस सी तीनों में जो थियोरी पार्ट है वो आप कॉपी में लिखेंगे इफ़ आई विल आस्क यू देन यू हैव टू सेंड द पिक ऑफ दैट नोटबुक ओके इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको आज ये कि आज आपको ये काम करना है और आपको उसकी पिक भी सेंड करनी रहेगी मुझे ओके okay? मैं जब आपसे बोलूँगा तो आप सेंड करिएगा और ये डायग्राम भी बना लीजिएगा और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आप पूछेंगे और हम अभी इसको फिर डिस्कस भी करेंगे ओके okay? अगर आप समझ लेते हैं ओके okay? अदरवाइज़ मैं इसको डिस्कस भी करूँगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू